इस वीडियो में Realme के 9 Pro के बारे में बात करने वाले हैं, जो 2021 में ना एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाला है। मतलब इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स, जैसे कि इस फ़ोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 780G चिप मिलेगा, जो डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला है। और भी बहुत सारे न्यू इंप्रूवमेंट्स इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को कैमरा तो सिमिलर मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, पर बहुत सारे न्यू अपडेट्स इस फ़ोन के रिलेटेड। दैट्स वाई आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और यार इस कंफर्म स्पेक्स, प्राइसिंग, इंडिया रिलीज डेट भी ऑफिशियली यहाँ पे रिवील हो चुका है। ये स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड हम लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा मिड या फिर एंड तक, पर ऑलमोस्ट कंफर्म है बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स भी इस फ़ोन के बारे में रिवील हुए, बहुत सारे न्यू र्यूमर्स हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि यार मेरे बैकग्राउंड में ना बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर लो, क्योंकि यार 24 घंटे से बारिश ही हो रहा है मेरे घर तरफ, तो कर लो यार थोड़ा सा इग्नोर, एडजस्ट कर लो। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस फ़ोन के परफॉर्मेंस से। यहाँ पे हम लोगों को Qualcomm Snapdragon 780G चिप देखने को मिलेगा, जो एक अमेजिंग चिप है, जो Realme 9 Pro के अंदर मिलेगा और मिड रेंज सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पर मिल रहा सेम चिप, तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 780G चिप मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल फुल चिप है। यहाँ पे डुअल 5G कनेक्टिविटी, 2.4 GHz का क्लॉक स्पीड, और यहाँ पे ना रैम वेरिएंट्स भी काफ़ी अमेजिंग मिलेगा। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो ना, तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को 6GB 128GB 8GB 128GB और एक और रैम वेरिएंट मिलेगा 8GB 256GB। एंड्रॉयड 12 पे ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स रन करने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, Realme 9 Pro का डिस्प्ले काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ सुपर एमोलेड पैनल, मतलब यहाँ पे ओएलईडी पैनल मिलने वाला है हाईएस्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ। 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज होने वाला है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन, और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और यार यहाँ पे ना न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग कन्फर्म हुआ है कि एक सेंट्रल पंच होल देखने को मिलेगा, और ऐसे डिस्प्ले फुल व्यू रहने वाला है, कर्व डिस्प्ले रहने वाला है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस फोन के साथ। कैमरे के बारे में बात करते हैं, Realme 9 Pro के अंदर काफ़ी अमेजिंग कैमरा देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारे कैमरास मिल रहे हैं इस फ़ोन के रियर में, क्योंकि यहाँ पे पेंटा रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहाँ पे ना प्राइमरी कैमरा हम लोगों को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का लेटेस्ट सेंसर के साथ, और सेकेंड सेंसर 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और यहाँ पे थर्ड सेंसर मिलेगा 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फोर्थ सेंसर मिलेगा 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग, और यहाँ पे फिफ्थ कैमरा मिलने वाला एक डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर। फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो फाइनली इस फ़ोन के अंदर एक न्यू फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा 44 मेगापिक्सल का, जो काफ़ी अमेजिंग हम लोगों को इमेज क्वालिटी ऑफर करने वाला है। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म है इस फ़ोन के अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी मिलेगा 6000 mAh का, और यहाँ पे सेकेंड ना कंफर्म है कि इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग के लिए 67W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, या फिर 120W का टेकिंग विद पिंच ऑफ सॉल्ट्स। इस फ़ोन के अंदर अगर 120W का फास्ट चार्जिंग मिल जाए, तो ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यार बहुत ही अमेजिंग ये चार्जर है, बहुत ही क्विकली Realme 9 Pro चार्जिंग लेने वाला है। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि Realme 9 Pro काफ़ी अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, जैसे कि 20,000 रुपीज़ के रेंज में। अगर इस फ़ोन का टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर हम लोग देखें, तो 25,000 रुपीज़ तक के रेंज में ये स्मार्टफोन टॉप एंड वेरिएंट इंडिया के अंदर आने वाला है, पर स्टार्टिंग वेरिएंट 20,000 रुपीज़ के रेंज पे देखने को मिलेगा, जो एक अमेजिंग प्राइसिंग है। और अगर हम इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन जुलाई के मिड या फिर एंड तक ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा ये वीडियो, और यार प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को Realme 9 Pro स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल वाले घंटे को दबा दो यार जा करके। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।